उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सरफिरे युवक ने शुक्रवार को नगर के ऐतिहासिक बाबा बोधेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में घुसकर डंडे से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मंदिर में भगदड़ मच गई और सरफिरे ने डंडे से वार करके करीब आधा दर्जन श्रद्धालुओं को लहूलुहान कर दिया। यह देख मंदिर प्रांगण में तैनात पीएसी जवानों ने किसी तरह हमलावर को काबू कर उसे दबोचा और कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान आनन-फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में एक को हायर सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। बता दें कि बांगरमऊ के ऐतिहासिक बाबा बोधेश्वर महादेव मंदिर में नगर और क्षेत्र के श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन पूजन करने जाते हैं। वहीं शुक्रवार को भाद्रपद पूर्णिमा के चलते सैकड़ों श्रद्धालु पवित्र शिवलिंग के दर्शन पूजन करने मंदिर प्रांगण में मौजूद थे। तभी अचानक एक सरफिरा युवक हाथ में डंडा लेकर मंदिर प्रांगण में घुस आया और दौड़ दौड़ कर डंडे से भक्तों की पिटाई करने लगा। इस हमले में दर्शन करने आए मिलन कैलाश कृष्ण कुमार सहित करीब आधा दर्जन श्रद्धालु लहूलुहान हो गए। वहीं अचानक हमले से श्रद्धालुओं में भगदड़ और चीख पुकार मच गई। इस दौरान मंदिर प्रांगण में तैनात पीएसी के जवान दौड़े और किसी तरह सिरफिरे को काबू कर उससे डंडा छीन लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस हमलावर को अपने साथ कोतवाली ले आई, जहां हमलावर ने अपना नाम जावेद निवासी मोहल्ला दरगाह शरीफ बांगरमऊ बताया। उधर मंदिर में मौजूद अन्य श्रद्धालुओं ने आनन-फानन में 3 घायल श्रद्धालुओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने घायल कृष्ण कुमार को हायर सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायल इलाज कराने निजी अस्पताल चले गए। वहीं घायल श्रद्धालु मिलन सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। साथ ही हमलावर युवक से घटना के बाबत पूछताछ करने में जुटी हुई है। क्योंकि आज मंदिर में हम लोग जो है लगभग 9:15 बजे 9:15 बजे हम लोग दर्शन करके पूजा करके हम लोग वापस घर पे आ गए। लगभग 10:15 बजे हमारे पास मंदिर से कुछ लोगों का फ़ोन आया कि मंदिर पे एक लड़का घुस आया है, गैर मतलब हिंदू समाज का, उसने जो है गैर समुदाय का एक लड़का घुस आया जिसने यहाँ मारपीट कर रहा है। तो हम तुरंत पहुँचे, हमने अपने और साथियों को फ़ोन किया कि आप लोग तुरंत पहुँचो मंदिर पर। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उसको पुलिस वाले पकड़ के ले जा चुके थे। अच्छा। और जो घायल थे उसमें हमें 1-2 लोग मिले, जो ज़्यादा घायल थे वो अस्पताल जा चुके थे। उनको यहाँ से कृष्ण कुमार तिवारी जी हैं, उनको लखनऊ के लिए रेफ़र किया जा चुका है। अच्छा। और जो कम लोग घायल थे वो लोग हमारे साथ बैठ के मैं उनको थाने लाया हूँ और थाने में उसको पकड़ के ले आया हूँ। अब इंस्पेक्टर साहब उनके ऊपर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं।